तो है गाइस, कैसे हो लोग? वेलकम बैक टू अंदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम लोग खेलने जा रहे हैं एक हॉरर गेम जिसका नाम है टू टू चार्ल्स। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं तो चलते हैं अभी गेम के अंदर। और गेम के अंदर गाइस हमारे पास एक नॉर्मल सी ट्रेन है, उसको हमें स्क्रैच से अपडेट करते हुए जाना है। और इस ट्रेन से गाइस हमें लड़ना है इस स्पाइडर ट्रेन से गाइस। तो ये रहे गाइस अपने अंकल। तो ये अपने सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाले कि हमें क्या क्या करना है इनके साथ जाकर गाइस। उस ट्रेन को हमें ट्रेन पर बैठना है और एक आइलैंड पर हमारी फैमिली गाइस फंस चुकी है, इसी वजह से हम उस ट्रेन से लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो यार इस नाव में से गाइस चल रहे हैं हम इन अंकल के साथ। और ये अंकल हमें एक्सप्लेन करने वाले हैं कि हमें वो ट्रेन कहाँ पर मिलने वाली है। तो इनके पीछे गाइस हमें जाना है। और ये जैसे जैसे कहते जाएंगे हमें वैसे वैसे करते जाना है गाइस। तो इनके पीछे इनके साथ चलते गाइस। और इनसे पूछे अभी हमें क्या करना है। तो ऐसे यहाँ पर अंकल यहाँ पर राइट साइड पर है और यहाँ पर गाइस हम पहुँच चुके हैं उस आइलैंड पर। तो यहाँ पर अंकल से पूछते गाइस कि हमें अभी क्या करना है। तो ये रहे गाइस अंकल। तो अंकल से पूछते कि अभी हमें क्या करना है। ओके ओके तो गाइस अंकल जी कह रहे तो ऑल ओके तो ओके तो गाइस अंकल जी कह रहे कि हमें अभी उनके साथ साथ चलकर उस ट्रेन को देखने के लिए जाना है जिस बर्न हाउस के वो अंदर वो ट्रेन है, उसको हमें फुल्ली अपडेट कर उस टू टू चार्ल्स को मार देना है। तो इनके पीछे ही अभी गाइस चलते हैं उन अंकल जी के पीछे ही। और वो कार पर चले गए इतनी सी देर में गाइस। तो उनके पीछे ही हमें जाना है और वही हमें ट्रेन को दिखाने वाले कि ट्रेन कहाँ पर है। तो वहीं पर हमें ट्रेन दिखने वाली है। तो ट्रेन को देखते हैं गाइस ट्रेन हमें कहाँ पर मिलती है। तो उसी ट्रेन को गाइस अंकल जी के रेट फुल्ली अपडेट और फुल्ली मॉडिफाइड कर कर गाइस हमें उस टू टू चार्ल्स को मार देना है। और अपडेट करने के लिए हमें स्क्रैप्स लगने वाले, वो गाइस हमें बाद में पता चलने वाले कि स्क्रैप्स क्या होते हैं। तो गाइस यहाँ पर पहुँच चुका हूँ मैं। और ये रहे आगे गाइस अंकल जी। तो अंकल जी से पूछते कि अभी हमें क्या करना है। तो ये रहे गाइस अंकल जी। तो इन अंकल जी से पूछते कि अभी हमें क्या करना है। तो ओके गाइस ओके। तो गाइस हमारी ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें हो चुकी है। तो गाइस ऑल राइट हाँ। तो गाइस अंकल जी कह रहे कि हमें वो अभी अंकल जी ने अपने मैप के अंदर एक लोकेशन दी है। उस लोकेशन पर जाकर गाइस हमें उस बर्न हाउस की यानी कि जहाँ पर अपनी ट्रेन है उसकी की ले करानी है। तो गाइस चलते अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक सीन होने वाला है इसके बाद। उस ट्रेन को हम गाइस पूरी पूरी ठीक तरीके से देखने वाले, उसके अंदर कितनी मॉडिफिकेशंस हुई है यानी कि कितने अपने गाइस कुछ भी अपडेट नहीं हुई है अभी। तो गाइस ये रहे अपनी लोकेशन। तो इस लोकेशन पर चलकर हमें सबसे पहले की को लेकर आना है और उसके बाद ही गाइस हम इस बर्न हाउस को ओपन कर अपने ट्रेन के पास जा पाएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले तो उस बर्न हाउस के पास और इस घर के अंदर गाइस अपने की है बर्न हाउस की। तो उस हाउस को लेकर गाइस हम जाने वाले हैं अपने अपने ट्रेन के हाउस के अंदर। तो ये रहे गाइस अपना, ये रहा अपना घर। तो इस घर के अंदर गाइस हमारे पास की रखी हुई है इस घर के अंदर। तो की को लेकर आते गाइस और यहाँ पर गाइस ये रहा उसका डोर। तो डोर ओपन कर यहाँ से की ले लेते हैं। तो यहाँ पर डोर ओपन क्यों नहीं हो रहा है? तो गाइस मुझे अंकल जी ने की तो नहीं दी थी। तो गाइस यहाँ पर ये डोर अनलॉक ही है गाइस। तो इसको ओपन करने के लिए हमें क्या करना, और गाइस हो चुका है अपना डोर ओपन। तो ये रही गाइस की। तो इसके फटाफट से लेकर चलते क्योंकि मुझे अकेले में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है गाइस की टू टू चार्ल्स ना आ जाए। आएगा तो नहीं गाइस पर फिर भी डर तो लगता है हॉरर गेम्स खेलते हुए। और ये अपना फर्स्ट हॉरर गेम है गाइस, यानी कि पहली बार में कोई हॉरर गेम खेल रहा हूँ। तो गाइस चलते अब एक अंकल जी के पास और अंकल जी को गाइस वो की दे देते हैं। तो यहाँ पर गाइस और अंकल जी यहीं पर है और अंकल जी कह रहे कि इस गेट को ओपन कर दो। तो गाइस वो की उसकी को लेकर गाइस हम डोर को ओपन करने वाले हैं। तो गाइस ट्रेन स्टेशन की है गाइस, ट्रेन के स्टेशन की है। तो ये गाइस अपना ओपन हो चुका है अपना ट्री हाउस। तो ट्रेन हाउस गाइस,
तो ये नाउ सपना ओपन हो चुका है और ये रही गाइस अपनी प्यार से ट्रेन। तो ये गाइस अभी कुछ भी अपडेटेड नहीं है, बस है आप हमारे पास बस एक वेपन के अंदर गाइस राइफल गन है, तो उसी गन से हमें अभी जो टास्क को मारना होगा। और जैसे हम मिशंस करते जाएंगे हमें स्क्रैप्स मिलते जाएंगे, और गाइस अगर वेपन मिशन हो तो हमें न्यू न्यू वेपन्स भी मिलने वाले हैं। तो अभी तो अंकल जी से पूछते कि हमें क्या करना है गाइस, तो अंकल जी तो कह रहे कि अभी अभी सबसे पहले तो अंकल जी कह रहे कि अपने ट्रेन को देख लो और उसके उसको चलाने का गाइस फंक्शंस ठीक से एक्सप्लोर कर दो, या फिर गन को गाइस टेस्ट कर लो। तो गन को टेस्ट कर कर देखते एक बार, और बाद में गाइस हमें वो अंकल दिखाने वाले कि हमें अभी क्या क्या करना है। तो यहाँ पर गाइस ये रहे अजॉल्ट राइफल अपनी गन, तो इस गन को गाइस टेस्ट करके देखते हैं। और गाइस यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दी मेरे कि हमारे पास अनलिमिटेड एमए तो होने वाली है, पर गन गाइस अगर हम कंटिन्यूसली फायर करते रहेंगे तो गन बहुत ज़्यादा ओवरहीट होने के कारण बहुत ज़्यादा गाइस दिक्कत भी दे सकते हैं, यानी कि बीच में बंद हो सकती है गाइस, अटक सकती है। तो यही हमें ध्यान रखना है कि हम बुलेट्स गाइस धीरे धीरे फायर करें। तो इन्हें अंकल जैसे पूछते हैं अभी हमें क्या करना है, तो ये रहे गाइस अंकल जी का पर अपने। तो ऐसे यहाँ पर अंकल जी से पूछते कि हमें ट्रेन को स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि अंकल जी के पास ही गाइस की होने वाले इस ट्रेन की शायद से। तो अंकल जी से गाइस परमिशन लेते और निकलते यहाँ से इस ट्रेन को लेकर। और गाइस यहाँ पर तो आगे तो गाइस रास्ता बंद है, पर वो देखते गाइस अभी हम पर ना उसके पास है अपने जहाँ से अपने गेम स्टार्ट होने वाले गाइस। तो यहाँ पर अंकल जी से परमिशन लेकर देखते गाइस कि अंकल जी क्या कहते हैं हमें कैसे गाइस इस ट्रेन को स्टार्ट करना है। तो ऑल तो गाइस हाँ तो ओके ओके गाइस, तो हमें अंकल जी कह रहे कि हमें इस ट्रेन को स्टार्ट करते ही हमें जो जो जहाज अपने ऊपर अटैक कर सकता है, तो हमें इस गेम को तो हमें इस हमें हमने हमें गाइस उन्होंने हमें उन्होंने गाइस की दे दिए कि जिससे कि हम उस ट्रेन को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये रही गाइस अपने असॉल्ट ट्राइपर, तो इसको लेकर रखना होगा। और गाइस टू टू टास्क आ चुका है जैसे कि अपने अंकल जी ने बताया था। तो ये अबे गाइस मैं कहाँ प्रेम कर रहा हूँ, तो गाइस इसको जल्दी फॉरवर्ड से हम डैमेज देना होगा। और गाइस जैसे मैंने आपका कहा तो ओवर हीट हो चुकी है अपनी गन, और उन अंकल जी को गाइस टू टू टास्क ने मार दिया है। अबे यार गाइस ये क्या हो गया, और टू टू टास्क से ऐसे जा चुका है वो जो अंकल जी हमें इस आइलैंड पर लेकर आए थे और जिन्होंने हमें ट्रेन दी, वो अंकल जी गाइस उन अंकल जी को चू चू चार्ल्स ने मार दिया है। तो ऐसा क्यों हुआ तो मुझे पता तो नहीं, पर चलते हैं अभी अपने गेम को कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं आगे, हमें उस पाप जाकर कोई फायदा होने नहीं वाला है। तो ऐसे आगे चलते जाते हैं और गाइस मिशंस करते जो हमें मिशंस मिलने वाले हैं, उन मिशंस को गाइस कंप्लीट करते हैं अभी। और गाइस यहाँ पर अपनी ट्रेन जा रही है धीरे धीरे, और गाइस मुझे अपने ट्रेन को फुल्ली अपडेट और फुल्ली मॉडिफाई भी करना है, जिससे कि हम सारी की सारी चीज़ें ठीक तरीके से उस ट्रेन को मार पाए। गाइस हमें चू टू टार्स को मारना भी है, हमें चू टू टार्स को मारना भी पड़ने वाला है इस गेम के अंदर। पर सबसे पहले तो मुझे कुछ मिशंस करने होंगे जिससे कि हमें स्क्रैप्स मिलेंगे और उससे हम अपने अपने ट्रेन को गाइस हम अपनी ट्रेन को अपडेट कर पाएंगे। और गाइस उसके बाद ही हमें सारी की सारी चीज़ें पता चलने वाली है। तो यहाँ पर गाइस ट्रैक चेंज हो रहा है कि हमें कहाँ पर जाना है, हमें तो गाइस लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट के अंदर अपना एक मिशन है, उस मिशन को करना है गाइस हमें सबसे पहले, जिससे कि हमें थोड़े बहुत स्क्रैप्स मिलकर सारी की सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर पाएंगे, जैसे कि हम अपडेट कर देंगे। सबसे पहले तो हमें अपडेट करना है अपनी ट्रेन को। तो ब्रेक का बटन यहाँ पर सबसे राइट वाला है, तो इसको ब्रेक दे देते गाइस, क्योंकि कार की जैसे नहीं इस ट्रेन का गाइस सिस्टम कि ट्रेन थोड़ी देर बाद रुकती है स्टार्ट होने के बाद। तो अभी गाइस यहाँ पर अभी मुझे ट्रेन को गाइस ब्रेक देना होगा, और यहाँ पर रुक चुके हैं हम। तो वैसे यहाँ पर चलते हैं अंकल जी से बात कर कर देखते हैं कि ये अंकल जी हमें क्या कहते, क्या मिशन है अभी हमारे पास।
तो हे रे गाइस, हेलो अंकल जी, कैसे हो आप? व्हाट्सअप गाइस, व्हाट्सअप अंकल जी, कैसे हो आप सब? ओके ओके, तो वैसे यहाँ पर सारे सारे हमें हंटर नाम से जानते हैं, और यहाँ पर अपनी ट्रेन को गाइस ऑल ओके गाइस ओके, तो ऑल राइट गाइस, कि हमें अंकल जी कह रहे कि तुम्हें अपने ट्रेन को गाइस सबसे पहले तो अपडेट करना होगा, उसके लिए तुम्हें स्क्रैप्स लगेंगे जो मेरे बर्न हाउस के ऊपर, बर्न हाउस के अंदर गाइस, वो कह रहे कि अपने हमारे पास बहुत सारे स्क्रैप्स पड़े हुए हैं, तो उसको जाकर गाइस तुम ले लो। और उसने हमें आपकी चाबी भी दे दी है, और अपने मैप के अंदर उन्होंने लोकेशन दे दी है, तो ये गाइस उनका बर्न हाउस, तो इनके अंदर जाकर हमें जितने हो सके उतने ज़्यादा गाइस स्क्रैप्स को इकट्ठा कर अपडेट, ट्रेन को फुल्ली अपडेट करना है। तो चलते इनके बर्न हाउस पर, और वहाँ से सारे के सारे जितने स्क्रैप्स होंगे उतने हमें लेकर आने हैं। तो यहाँ पर गाइस अंकल जी ने हमें लोकेशन दे दी है, तो उस लोकेशन पर लेकर चलते गाइस, हमें चल कर जाना होगा क्योंकि ट्रेन का ट्रैक वहाँ पर नहीं जाता है गाइस, और इसी वजह से हमें यहाँ से चल कर जाना होगा। तो चलते वहाँ पर, और सारे के सारे जितने हमें स्क्रैप्स मिलेंगे उतने स्क्रैप में हम लेकर आने वाले उस वहाँ से, और वो अपनी ट्रेन को मैं पूरी पूरी तरह अपडेट करने वाला हूँ, जितने हो पाएंगे उतने गाइस अपडेट कर देंगे, और बाद में देखेंगे, वो तो बाद की बात है गाइस। तो यहाँ पर चलते आ गई, और यहाँ पर हम पहुँचने वाले उनके बर्न हाउस पर, और ये रहा गाइस उनका, और अंकल जी का बर्न हाउस, और यहाँ पर जाके गाइस उन्होंने मुझे की तो दे दी थी, तो यहाँ पर की मैंने लगा दी, और ये रहे गाइस स्क्रैप्स, तो ये यही होते गाइस स्क्रैप्स, तो इन स्क्रैप्स को इकट्ठा कर कर मुझे अपनी ट्रेन को फुल्ली अपडेट कर कर चुटचार से लड़ने के लिए जाना है। और गाइस मुझे कुछ वेपन मिशंस भी करने होंगे, क्योंकि हमारे पास बस असॉल्ट राइफल ही है, बाकी कोई भी गन नहीं है गाइस, बाकी कौन सी भी गन नहीं है, कोई भी गन नहीं गाइस, और इसी वजह से हमें और भी कोई 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 गन्स इकट्ठा करनी होगी। यहाँ पर वेपन्स मिशन भी बहुत सारे, तो उन वेपन्स मिशंस को भी हमें कंप्लीट करना होगा, जिससे कि हमें वेपन्स मिलते जाएंगे। स्क्रैप से गाइस हम अपने ट्रेन को रिपेयर कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर ऊपर देखते हैं, एक स्क्रैप होगा तो उनको भी ले लेंगे, तो यहाँ पर भी गाइस एक स्क्रैप था, उनको भी गाइस मैंने उठा लिया है। और अभी चलते हैं अभी अपने अपने ट्रेन पर दोबारा से, और चलते हैं अपने कुछ वेपन्स मिशन करने के लिए। या फिर रास्ते में अगर वेपन मिशन करते हुए जाने वाले, अगर रास्ते में हमें कोई और मिशन मिलेगा रैंडम मिशन, तो उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर से चलते गाइस जंप मारकर, और गाइस इन्हें इन अंकल जी को थैंक यू भी बोल कर आते हैं, क्योंकि ये हमारे गाइस यहाँ पर सारे के सारे लोग हमारी हेल्प करने वाले इस आइलैंड पर, क्योंकि उनको सारे के सारे बंदों को गाइस अपने चूचू चार्ल्स ने ही मारा है, इसी वजह से यहाँ पर सारे के सारे लोग हमारी हमारी मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम चूचू चार्ल्स को मार पाए। तो यहाँ पर गाइस अपने हमें हमें जितने स्क्रैप्स मिलते हैं उनसे मैंने गाइस हमने हमारे लेवल दो दो लेवल कर दिए सारे के, सबके गाइस टू टू लेवल्स मैंने बढ़ा दिए, एक एक लेवल अपडेट कर दिए गाइस। और अभी जैसे हमारे पास और भी स्क्रैप्स आते रहेंगे, वैसे हम स्क्रैप्स को गाइस दोबारा से अपने लेवल्स को बढ़ाते रहेंगे। तो गाइस यहाँ पर एक मिशन है, तो उस मिशन को भी करते हुए जाते हैं, तो यहाँ पर मुझे ट्रेन को रोकना होगा। तो वैसे यहाँ पर एक डब्बा भी है, और उस बॉक्स के अंदर गाइस बॉक्स है गाइस, वो तो उस बॉक्स के अंदर भी गाइस हमें ढेर सारे गाइस स्क्रैप्स में मिल जाते हैं, तो उन स्क्रैप्स को लेने के लिए गाइस मुझे जहाँ पर भी ये बॉक्स दिखेगा वहाँ पर उतरना ही उतरना है, क्योंकि हमें बहुत सारे स्क्रैप्स भी इससे मिल जाते हैं गाइस। तो गाइस वो बॉक्स कहाँ पर गाइस, यहाँ पर पीछे वो बॉक्स पड़ा हुआ है, तो इससे गाइस स्क्रैप्स लेकर चलते हैं। तो वैसे यहाँ पर देखो कितने सारे क्रैप्स पड़े हुए हैं, 4 to 5 क्रैप्स, 4 से 5 क्रैप्स हमें मिल चुके हैं इस बॉक्स से। तो वैसे ये बॉक्स कहीं पर भी हमें दूसरी जगह पर मिलेगा, तो वहाँ पर से हमें स्क्रैप्स निकाल लेने, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी गाइस
क्रैब्स की, वरना तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, बस क्रैब्स चाहिए सबसे पहले, और कुछ मिशन कुछ वेपन्स चाहिए गाइस, छोटू चार्ल्स अगर हमारे ऊपर अटैक करता है तो उससे लड़ने के लिए। तो गाइस यहाँ पर लेकर चलते हैं अभी या इसी जगह पर, और उस जगह पर देखते गाइस कौन सा मिशन है अपने पास अभी। तो गाइस इनका मिशन क्या है वो भी हमें अभी एक्सप्लोर करना होगा, तो देखते हैं इनका मिशन क्या है। हेलो आंटी, कैसे हो आप? हेलो आंटी, कैसे हो आप? तो आपका क्या काम है? हमसे क्या काम है गाइस, बोलो। ओके ओके गाइस, तो आंटी जी का खेलना तो गाइस बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो गाइस आंटी जी को क्या, आंटी जी का गाइस है यहाँ पर, आंटी जी हमें क्या देखिए, आंटी जी ने मुझे मैप के अंदर एक लोकेशन दी, उस लोकेशन पर जाकर हमें लॉक पिक से उस लॉक को ओपन करना है, पर अपना लॉक पिक वाला अभी तक मिशन नहीं हुआ है, इसी वजह से हमारे पास लॉक पिक नहीं है, तो हम ये इस मिशन को अभी तो कंप्लीट नहीं कर सकते। तो हम चलते हैं अपने ट्रेन पर और बाद में इस मिशन को गाइस कंप्लीट कर देंगे जब भी हमारे पास लॉक पिक मिल आ जाएगा। तो इस मंथ पर जाकर अभी कोई फायदा नहीं, क्योंकि अपना अपना लॉक पिक वाला मिशन नहीं हुआ है, और जैसे कि हमारे पास अभी लॉक पिक नहीं है उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं अपने ट्रेन पर और चलते हैं अभी अपने सबसे पहले तो अपने वेपन मिशन पर। तो हम आ चुके हैं अपने ट्रेन के अंदर, तो ट्रेन को लेकर चलते हैं अभी अपने वेपन मिशन करने के लिए। तो यहाँ पर ट्रेन को कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, और यहाँ पर टू टू टास्क का गाइस मुझे साउंड आ रहा है, टू टू टास्क से यहाँ पर शायद से आ भी सकता है गाइस, उसका कोई भरोसा नहीं है, वो कहीं पर भी गाइस आ जाता है, तो प्लीज़ अभी तो मुझे वो नहीं चाहिए गाइस। और यहाँ पर फाइट भी अपनी अभी बस एक ही बार हुई है, बाद में तो गाइस टू टू टास्क एक बार भी नहीं आया है, तो यहाँ पर गाइस नहीं आई तो बहुत अच्छा होगा, और क्योंकि गाइस अपनी ट्रेन अभी बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं है, अपडेट होने के बाद आ जाएगा तो फिर तो तब तो गाइस कोई दिक्कत नहीं होगी, पर अभी कुछ भी अपडेट नहीं, और मेरे पास स्क्रैप भी नहीं है, अगर टू टू चांस आता है तो, और गाइस मैं यही कह रहा था कि टू टू चांस आ जाएगा तो वो अपने पास स्क्रैप नहीं है अपने ट्रेन को अपडेट रिपेयर करने के लिए, तो तब तक गाइस टू टू चांस आ चुका है, और इसको गाइस मुझे मारना होगा, और वो रिजेक्ट हो चुकी है अपनी गन पे यार, गाइस ओवरहीट हो चुके अपनी गन, और गाइस ट्रेन टाइम पर हम बच चुके, और यहाँ पर टू चार्ल्स को गाइस मारते रहना है कॉन्टिन्यूसली फायर करने की वजह से अपनी गन बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, तो गाइस यहाँ पर हम मारते जाते हैं टू चार्ल्स को, और गाइस ये चाह ही नहीं रहा है, इसको क्या करूँ गाइस मैं, मुझे सबसे पहले तो परमिशन करना होगा, और गाइस फाइनली वो जा चुका है अबे यार। तो गाइस यहाँ पर से मुझे ट्रैक को चेंज करना है, मुझे मुझे जहाँ पर जाना है वो जगह गाइस राइट साइड से जाती है, और यहाँ पर लेफ्ट साइड पर गाइस ट्रैक का ट्रैक मोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर मुझे चेंज करना हो तो गाइस ट्रैक को, और गाइस चोचो चार्ल्स कितने एंड टाइम पर आया था, अपनी हेल्थ तो देखो गाइस, अपनी हेल्थ ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी थी। तो गाइस यहाँ पर मुझे एक डब्बा मिला था, उसमें से मैंने स्क्रैप्स निकाल लिए थे बॉक्स में से, तो यहाँ पर गाइस मैं डैमेज लेवल आर्मर लेवल बढ़ा देता हूँ, क्योंकि आर्मर लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें ट्रेन को गाइस कभी भी रोकना भी पड़ सकता है अगर, और चुट चाल सकता है तो हमें आर्मर ही बचा सकता है, यानी कि डैमेज कम लगवा सकता है, इसी वजह से मुझे आर्मर लेवल पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और ट्रेन की स्पीड पर हुए गाइस, अगर चुट चाल हमारा पीछा करता है तो स्पीड की वजह से भी गाइस वो हमें मार नहीं पाएगा, तो हमें स्पीड और आर्मर लेवल को सबसे ज़्यादा अपडेट करना है, और गाइस हमें कुछ वेपन्स मिशन भी करने होंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी वेपन नहीं है, तो वेपन तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर गाइस हम पहुँचने वाले हैं अपने वेपन मिशन पर, तो उसी मिशन पर चल कर गाइस देखते हैं कि हमें कौन सा वेपन मिलता है वहाँ पर। तो वहाँ पर गाइस मुझे सबसे खतरनाक वेपन चाहिए गाइस, तो यहाँ पर हम पहुँच चुके गाइस, तो ब्रेक देते हो तो अब मैं यहीं पर, जैसे कि ट्रेन अपने पहुँच जाएगी, और यहाँ पर स्क्रैप्स भी पड़े हुए होते हैं गाइस रास्ते के अंदर रोड के अंदर, तो वह उसको भी गाइस कैरी करते हुए जाना है, क्योंकि हमें स्क्रैप्स सबसे ज़्यादा लगते हैं। तो आज यहाँ से मुझे अंदर जाना है,
और यहाँ पर एक आंटी जी है शायद से। हाँ वैसे वो वेपन तो देखो कितना खतरनाक लग रहा है। हेलो आंटी जी। सो फाइनल फाइनल ओके गाइस, यहाँ पर भी कोई इसी नहीं कि इसके पति को गाइस चुचुचास ने मार दिया था, और पर उनके पति ने गाइस एक ऐसा मिशन वेपन बना दिया है कि जो चुचुचास से लड़ सकता है। पर गाइस इसका एक और आंटी जी के हिस्सा एक हिस्सा गाइस किसी ने चुरा लिया था, और उसकी लोकेशन हमें मिल चुकी है। पर उस लोकेशन पर गाइस हम अगली वीडियो में जाएंगे, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी आज से कर लो, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। तो ये रही गाइस बॉब गन, पर इसका एक पार्ट अपने नेक्स्ट इसका एक पार्ट गाइस किसी और के पास चुरा लिया था उन्होंने, तो उस लोकेशन पर हम कल जाने नेक्स्ट वीडियो में जाने वाले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी आज से कर लेना। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।